ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 14 अप्रैल 77 को चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का शीर्षक है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। अपनी तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी सदा महावीर रहने वाले बच्चों प्रति बाबा बोले। आज बाप दादा हर बच्चे के तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है। तस्वीर के अंदर विशेषता रूहानियत की चाहिए। रूहानियत भरी तस्वीर हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बता देती है। इसमें प्यारे बाप दादा ने ये कहा है कि जो हम सब बच्चे अपनी तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं, अब दुनिया के अंदर भी लोग जो कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो वो जो कुछ भी करते हैं वो एक जन्म के लिए होता है, और उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि शारीरिक उन्नति, शारीरिक प्रगति, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक पद पोजीशन होता है। तो जो ही शरीर का अंत होता है उसके साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन बाप दादा जो हमारी तकदीर की तस्वीर बनाते हैं वो जन्म जन्मांतर भविष्य के लिए बनाते हैं। इसलिए भविष्य जन्म जन्मांतर में तो आत्मा ही जाती है, इसलिए बाबा ने इसमें ये स्ट्रेस किया है कि ये रूहानियत होनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर अनेक जन्मों के लिए है। इसमें जो संस्कार हम रूह में भरेंगे वही जन्म जन्मांतर चल सकते हैं। जैसे लौकिक में बहुत सुंदर बनी हुई तस्वीर अपनी रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको बनाने वाला कौन, ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप के तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। हाँ, बाबा कह रहे हैं जैसे दुनिया के अंदर कोई पेंटिंग होता है बहुत सुंदर, तो उसको देखकर हर एक व्यक्ति सोचता है, पूछता है कि किसने, इसका पेंटर कौन है, किसने ये तस्वीर बनाई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसी प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत अच्छा किसी भी गुण में होता है, कोई बच्चा ही होता है, तो पूछा जाता है किसकी संतान है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आपके जीवन की रूहानी तस्वीर तकदीर की बनेगी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बनाने वाला परमात्मा है, ऑटोमेटिकली सबका ध्यान उस परमपिता परमात्मा की तरफ जाएगा। आपका भाग्य भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाता है। कहते हैं ना जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, गीत भी है तो नेचुरली याद दिलाएगा। ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाई है। रूहानी तकदीर अर्थात चलता फिरता लाइट हाउस। लाइट हाउस का कर्तव्य है हरेक को सही राह दिखाना। चलते फिरते इतने लाइट हाउस क्या कमाल करेंगे, ऐसे बने हो व अब तक बनने के प्लान बना रहे हो। तो बाबा कहते हैं हमारे केस में, बाबा के बच्चों के केस में तस्वीर क्या है तकदीर की, यानी चलता फिरता रोशनी का लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम होता है रास्ता दिखाना। समुंदर के किनारे लाइट हाउस होते हैं जो शिप्स को रास्ता दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो एक जगह स्थिर होते हैं तो शिप्स दूर से रास्ता देखते हैं, लेकिन आप तो चलते फिरते लाइट हाउस हो। बाबा कहते हैं इतने बच्चे अगर उस स्थिति में स्थित हो जाएं कि हम चलते फिरते लाइट हाउस हैं तो कितनी आत्माओं को राह दिखेगी, यानी परमात्मा की तरफ जाने का, उनसे शिक्षा लेने का,
प्राप्ति करने का तरीका मिलेगा। इस बार बाप दादा रिजल्ट लेने के लिए आए हैं। जब पेपर अर्थात इम्तिहान के दिन होते हैं तो उस समय पढ़ाई पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन पढ़े हुए का इम्तिहान होता है। तो बाप दादा ने भी संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई बहुत पढ़ाई है। अब उसकी रिजल्ट देखेंगे। फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ाई पूरी हो जाती है, बंद कर दी जाती है, और उसमें प्रेपरेटरी पीरियड होता है, तो उसके अंदर फिर टेस्ट लिया जाता है कि जो कुछ पढ़ाया गया था उसको स्टूडेंट ने किस हद तक पढ़ा है, उसके बाद उसका फाइनल पेपर होता है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने भी हमको वर्षों तक यानी 1936-7 से लेकर लगातार पढ़ाया है। अब बाबा कहते हैं, वाणी से भी पढ़ाया, संकल्प से भी पढ़ाया, कर्म से भी सिखाया है, तो उसका जो रिज़ल्ट है अब तक क्या निकला है, वो बाबा रिज़ल्ट लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं, हर एक अपनी रिजल्ट से संतुष्ट है, चेक किया है कि समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया है। जैसा समय बीतता जा रहा है और संगम भी का समय भी पूरा होता जा रहा है, उसके प्रमाण और अपनी पढ़ाई जो हमने पढ़ी है उसको हमने प्रत्यक्ष किया, मैनिफेस्ट किया, बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सभी प्रमाण में श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। तो ऐसे बने हो क्योंकि बाबा ने कहा कि आप जब प्रत्यक्ष होंगे तो उसका प्रमाण क्या होगा। ये सब कई प्रकार के प्रूफ दिए जाते हैं, लॉजिक दिया जाता है किसी चीज़ को साबित या सिद्ध करने के लिए, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि आपने जो प्रमाण बनाया अपने आप को, जिंदा जागता सबूत जिसको कहा जाता है, वो बनाया है। तो ऐसे बने हो जो कोई भी देखे तो अनुभव करे कि इन्हें पढ़ाने वाला व बनाने वाला सर्वशक्तिवान बाप है। क्योंकि रूहानी तस्वीर है, तो रूहानी तस्वीर के अंदर जो रूहानियत परमात्मा भरते हैं और संपूर्णता संपन्नता लाते हैं, पवित्रता और दिव्यता लाते हैं, वो देखने से ही पता लग जाता है, उसके झलक और फलक से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे किसी का दुनिया के अंदर चाल चलन कहते हैं, यहाँ रूहानी झलक और फर्क उसके नैनों से, उसके संकल्पों से पता लगती है। तो बाबा कहते हैं, ऐसा अपना रूहानी तस्वीर बनाई है जो देखते सारी दूसरा समझ जाए इनको घड़ने वाला, इनको बनाने वाला स्वयं परमात्मा है। प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज और श्रेष्ठ साधन है। लोग, हम सब ये चाहते हैं ना कि परमात्मा की प्रत्यक्षता हो, दुनिया वालों को पता लगे कि परमात्मा सृष्टि पर आ चुके हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। तो उसका सबसे पक्का तरीका यही होगा कि हम अपने आप को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएं, उसको देख कर के। सहज और श्रेष्ठ तरीका यही है। इस साधन को अपनाया है, प्रत्यक्षता वर्ष तो मनाया, लेकिन स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाया। सहज है वो मुश्किल है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिसके हो, उसी स्मृति में रहना। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि प्रत्यक्षता वर्ष मनाते हैं, हम कोशिश करते हैं दुनिया को मैसेज देने का, पैगाम देने का, उसके लिए हम पर्चे छुपवाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, टेलीविज़न में बताते हैं, सब साधन करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्षता होगी तो तुम्हारे प्रत्यक्ष प्रमाण से होगी। इन ये साधन सिर्फ मददगार हैं,
वो स्वरूप बाबा कहते बनाया अपना। और बाबा ने फिर ये भी डिफाइन किया कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, जो हो जिसके हो उसी स्मृति में रहना। प्रत्यक्ष माने के नेचुरल, जो हमारा असली स्वरूप है, अपने आप को प्रत्यक्ष करना। अब आप देखिए, ये दुनिया में मनुष्य बॉडी कॉन्शियस हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, तो उनका शरीर ही प्रत्यक्ष होता है और शरीर से संबंधित सब चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं। शरीर की शिक्षा की क्वालिफिकेशन है, शरीर की प्रॉपर्टी है, शरीर के संबंधी हैं, शरीर का स्वरूप है, शरीर का स्वास्थ्य है, ये होता है। और जो आत्मा स्वरूप होंगे उनकी आत्मा के गुण प्रत्यक्ष होंगे, उनके अंदर शांति है, संतोष है, दिव्यता है, सहयोग है। तब बाबा कहते हैं उस रूप से, उस रूप को धारण करना है, हम जो हैं जैसे हैं, कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा शांति, अपने गुण हैं, अपनी शक्तियाँ हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी तो वो नेचुरल हो जाएगा, तो प्रत्यक्षता भी नेचुरल हो जाएगी। वह मुश्किल होता है अपने आप को याद करना, किसको मुश्किल लगता है? टेम्प्ररी पाठ बजाने के समय अपना टेम्प्ररी टाइम का स्मृति में रखना मुश्किल होता है। जैसे बाबा ने बोला, कोई फीमेल से मेल बनेगा तो फिर भी पाठ बजाते बजाते फीमेल का रूप कब स्मृति में आ जाएगा, लेकिन निजी स्वरूप कब भूलता नहीं है। क्योंकि कोई टेम्पररी पार्ट बजाए, किसी को कोई एक्टर बना दे, कुछ बना दे, तो हो सकता है, क्योंकि टेम्पररी पार्ट में उसका असली रूप दूसरा है, वो टेम्पररी को भूल जाए, पर असली रूप तो कोई अपना नहीं भूलता है ना। तो आप जो हो, जिसके हो और जहाँ के हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, न कि टेम्प्ररी। आपका परम धाम भी आत्मा का अनादि परम धाम है, परम पिता परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, और स्वयं के आत्म स्वरूप में हम भी अनादि अविनाशी हैं, तो ये तो बिल्कुल ही परमानेंट हो गया ना। इस जीवन में भी व्यक्ति का पूछते हैं तेरा परमानेंट एड्रेस क्या है, होम एड्रेस क्या है, वो इस शरीर का होता है, लेकिन तो आत्मा का ये तो सदाकालीन है। तो बाबा कहते इसमें स्थित हो जाओ, इसके तो भूलने का सवाल ही नहीं है ना, इसमें प्रत्यक्ष हो जाओगे तो बाप की प्रत्यक्षता और घर की प्रत्यक्षता आप ही हो जाएगी। अनादि की स्मृति सहज होती है व मुश्किल, प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात अनादि रूप में स्थित रहना, फिर भी भूल जाते हो। यानी बाबा ने कितना क्लियर करके बताया है कि जो चीज़ भूलनी मुश्किल होनी चाहिए वो याद करनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से अपने आप को, मेरे को मैं समझते आए हम। अब बाबा ने हमको मैं का परिचय दिया है, हम तो शरीर को ही मानते आए ना कि मैं हूँ, तो शरीर तो मेरा है, ये तो टेम्परेरी है, लिया है और छोड़ना है। जिस मैंने शरीर लिया आत्मा ने, वो अनादि अविनाशी है, वो शरीर लेने से पहले भी थी, अब भी शरीर में है, शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगी, तो सत्य तो वही होता है ना, जो था है और रहेगा। बाबा कहते हैं आश्चर्य की बात यह है कि सत्य को भूल जाते हैं और जो टेम्परेरी है वो याद रहता है। बाबा ने कहा वास्तव में भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि भूल कर जो स्वरूप स्मृति में लाते हो वह अनादि नहीं, मध्यकाल का है। मध्यकाल अर्थात द्वापर का समय, तो मध्यकाल का स्वरूप मुश्किल याद आता है, ये यथार्थ नहीं लेकिन अयथार्थ है। यानी बाबा कहते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस कब से शुरू हुई? द्वापर। देवी देवताओं के युग में तो देह का अभिमान नहीं था, तो आदि काल है सतयुग और मध्य काल है द्वापर और अंत काल है कलयुग। तो बाबा कहते हैं ये जो नकली स्वरूप को अपना मानने लगे हैं, मेरे को मैं, वो तो द्वापर से शुरू हुआ है, वो मध्य काल का है। तो मध्य काल का स्वरूप इतना पक्का हो गया है
कि जब बताया भी जाता है कि तुम्हारा आदि स्वरूप ये नहीं है, तो भी वो याद आ जाता है। बाप दादा रिजल्ट लेने आए हैं, खास पुरानों से, जिन्होंने विशेष उल्हनों द्वारा आह्वान किया है। पुरानों का आह्वान करना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। बाबा कहते हैं पुराने पुराने बच्चों ने याद करके आज आह्वान करके बाबा को धरती पर बुलाया है, अर्थात निराकार परमात्मा की पधरामनी हुई है। तो वो कहते हैं उन्हीं से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हीं का टेस्ट ले रहे हैं कि तुम बताओ इतने पुराने पुराने हो तो तुम ऐसे कैसे भूले हुए हो। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया था, जैसे नयों को सुनाते हो बाप का आना, अपने आप को जीते जी मरने का साहस रखना, क्योंकि बाप का आना अर्थात वापस ले जाना व पुरानी दुनिया का परिवर्तन करना। यानी परमात्मा के आने का मतलब ही क्या है? परमात्मा कहते हैं कि मेरा अवतरण तो होता ही तब है जब सारी दुनिया दुखी हो जाती है, और आकर के पुरानी दुनिया का विनाश करा के परमात्मा कहते हैं मैं नई दुनिया स्थापन करता हूँ। तो जब प्राणी का विनाश होता है तो सभी आत्माएं अपने पुराने देह का त्याग करके परम धाम में परमात्मा ले जाते हैं। वैसे भी उसको लिबरेटर कहते हैं, मुक्तिदाता कहते हैं। जब कहते हैं मेरा रोल ही ये है, मेरा आना मैंने आपका मरना, एक तो शरीर को भूलना, पुराने शरीर को भूलना और फाइनली पुराने शरीर को छोड़ना, वो भी एक आध व्यक्ति का नहीं, सारी की सारी पुरानी दुनिया का। बाबा कहते हैं मैं तो महाकाल हूँ, इसलिए मेरे आने का मतलब ये है कि पुराने को सबको भूल जाना और त्यागने की तैयारी में रहना। वैसे ही आपको बाप का बुलाना अर्थात रिजल्ट देने के लिए तैयार रहना। हाँ, तो जब बुलाया कोई टीचर को, एग्जामिनर को बुलाएगा तो एग्जामिनर तो एग्जामिनेशन ही लेगा ना। तो पेपर के लिए तैयार होना, विश्व को परिवर्तन करने की हलचल देखते हुए अचल हो, स्वयं को हलचल कराने वाले निमित्त समझते हो व अब तक अपने ही हलचल में हो, इसको और स्पष्ट करें। बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों का कार्य क्या है? हम बच्चों का कार्य है पुरानी दुनिया को परिवर्तित करना, नई दुनिया की स्थापना करना। तो प्राणी में हलचल मचेगी तभी प्राणी दुनिया समाप्ति को आएगी। तो आप तो हलचल के निमित्त हो, और हलचल के समय में आपको अचल रहना है। अगर आप स्वयं ही हलचल में आ जाओगे तो प्राणी दुनिया हलचल में कैसे आएगी? और वो हलचल में नहीं आएगी तो क्या होगा? जो ही आप हलचल में आए, प्राणी दुनिया की हलचल ठंडी हुई। जो ही आप अचल हुए, प्राणी दुनिया की हलचल बढ़ी। तो हमें तो प्राणी दुनिया को हलचल में ला के उसको परिवर्तन में लाना है ना। जैसे किसान होता है, वो हल चलाएगा तभी तो धरती में बीज बोएगा ना। तो इस भाव से बाबा कह रहे हैं। बाप दादा हिलाने के पेपर लेवे, अचल रहेंगे व डगमग होंगे। बाबा नेक्स्ट कह रहे हैं खुद ही हलचल में तो नहीं हो, इसलिए बाबा कहते हैं टेस्ट करूं कि तुम्हारे ऐसे पेपर आए ताकि देखूं कि तुम तो हलचल में नहीं आते ना। क्योंकि अगर स्वयं हलचल में आ गए तो दूसरे को हलचल में कैसे लाओगे? जो हलचल में लाने के निमित्त है वो स्वयं ही हलचल में आया हुआ है, तो उसको हलचल में कैसे लाएगा? तो बाबा कहते हैं बुलाया है तो समझो कि पेपर की तैयारी करके बुलाया है, आइए और हमारा पेपर लीजिए। तो बाबा कहते हैं लूँ पेपर तुम्हारा, रेडी हो या एवर रेडी हो, रिजल्ट क्या है? थोड़ा नोटिस चाहिए और फिर पेपर ले या एवर रेडी हो। स्वयं के संस्कारों के पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर व कोई न कोई शक्ति की कमी के कारण पेपर, सर्व से संस्कार मिलाने के पेपर, अब तक इन छोटे छोटे हद के पेपर में भी हलचल में आते हो व अचल हो। अब बाबा ने चार प्रकार के पेपर तो बता दिए कि इन पेपर्स में
जो अब तक आते रहे हैं छोटे मोटे, उससे भी हलचल में आते रहे हो या अचल रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं बड़ा पेपर लेने से पहले। बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर। अब बाबा ने जो नए पेपर, जो कड़े पेपर के बारे में कहा है, उनका वर्णन किया है। ये तो तुम छोटे मोटे पेपर आते रहे स्वभाव के, संस्कार के, अब जो बेहद के पेपर वो किस प्रकार के होंगे? तो चार प्रकार के पेपर बाबा ने बता दिए। यानी स्वयं के जो हमारे पेपर हैं, व्यर्थ संकल्प है, संस्कार मिलाने का, शक्तियों की कमी का, ये स्वयं की हलचल है, पेपर है। और जो बेहद का पेपर है वो फिर बाबा ने स्पष्ट किया। ऐसे बेहद के पेपर देने के लिए पहले है स्वयं द्वारा स्वयं का पेपर, छोटे से ब्राह्मण संसार द्वारा व ब्राह्मणों के संस्कारों द्वारा आया हुआ पेपर, ये कच्चा इम्तिहान है व पक्का इम्तिहान है। यानी बाबा ने कहा कि अपने से ही पेपर आया हुआ, संस्कारों के द्वारा आया हुआ या प्रकृति की हलचल के द्वारा आया हुआ, तो ये पेपर जो है इसके लिए तैयार हो। जैसे 6 मास का और 12 मास का पक्का इम्तिहान होता है ना, तो हद का पेपर दे पास हो गए हो, अभी बेहद का पेपर शुरू हो। इसी तरह अपने आप को चेक करो कि किसी भी सब्जेक्ट के पेपर में पास मार्क्स लेने योग्य बने हैं व पास विद ऑनर बने हैं। समझा क्या करना है? घबराते बहुत हो और घबराते किससे हो? बाबा ने कहा छोटे छोटे माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं और अभी अभी नहीं है। छोटे बच्चे भी बुदबुदों से नहीं डरते हैं, खेलते हैं न कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलने वाले हैं न कि डरने वाले हैं। अच्छा फिर आगे सुनाते रहेंगे। भावन ने कहा कि जो पेपर हैं ये तो टेम्परेरी है ना, तो क्या उनसे भी घबरा जाते हो? बुदबुदा होता निकलता है, ख़त्म हो जाता है। बाबा कहते बच्चे भी बुदबुदों से खेलते हैं, और आप मास्टर सर्वशक्तिवान उन बुदबुदों से तो नहीं घबरा जाते, क्योंकि ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली पेपर पास करेंगे, यानी बीच वाले पेपर पास करें तो फाइनल पेपर आएगा ना। तो बाबा ने स्टेजेस बताई हैं पेपर की। अच्छा फिर बाबा ने याद प्यार दिया। ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस अपने तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, बाप को हर समय प्रत्यक्ष करने वाले, हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी रहने वाले, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन अन्य को प्रेरणा देने वाले, ऐसे सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। सारी मुरली का सार बता दिया। ये बच्चों को पेपर दे करके पास होते रहना है, और जो बच्चे इन पेपर में पास हुए हैं और बड़े पेपर के लिए तैयार हैं, उनको बाबा याद प्यार और नमस्ते दे रहा है। इसको एक बार फिर पढ़ दें, क्योंकि एक एक लाइन वर्ड में पिछली ये जो मुरली हमने सुनी है उसके एक एक पैरा का पूरा सार आ रहा है। बाबा ने बोला ऐसे चलते फिरते लाइट हाउस। शुरू में बाबा ने कहा था ना कि आप बच्चे चलते फिरते लाइट हाउस हो, आपको देखकर ही दूसरी आत्मा को ख्याल आए या ये परमात्मा का रास्ता बताने वाले हैं। अपने तकदीर की तस्वीर द्वारा तकदीर बनाने वाले, इसी के द्वारा जैसी आपने रूहानी तस्वीर बाबा कहते बनाई है, इस तस्वीर बना करके ही दूसरे को रास्ता दिखाने वाले।
रूहानी तस्वीर, बाप को हर समय प्रत्यक्ष करने वाले। बाबा ने कहा ना, नेचुरली जो तुम हो, जैसे हो वैसे स्वरूप में रहोगे, अपने आप को प्रत्यक्ष करोगे तो बाप की प्रत्यक्षता स्वाभाविक होगी। हर परिस्थिति के पेपरों में एवर रेडी रहने वाले। बाबा ने परिस्थितियां बताई थी ना, कि अपने संस्कार हैं, अपने स्वभाव हैं, प्रकृति की आपदाएं हैं, कई प्रकार की वातावरण है, ये सारी परिस्थितियों में अपने आप को क्या करने वाले, अटल रहने वाले। बाबा ने कहा एवर रेडी, एवर रेडी, हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार। सदा प्रत्यक्ष प्रमाण बन, अन्य को प्रेरणा देने वाले। यानी सिर्फ दूसरों को बताने वाले नहीं, वर्णन करने वाले नहीं, अपने सबूत के द्वारा दूसरे को प्रेरणा दे के हम भी ऐसा बने। ऐसे सदा महावीर रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। ठीक। आगे दीदी जी से वार्तालाप। बाबा ने बोला, आप सभी विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो। अब बाबा बड़ी दीदी को कह रहे हैं, मनमोहनी दीदी जी को, कि बच्चों को उनका कर्तव्य बता रहे हैं और उनके कर्तव्य के आधार पर उनकी कितनी उनकी अथॉरिटी है, कितनी उनकी प्राप्तियां हैं, वो सारी बता रहे हैं। तो बाबा ने पहले सेंटेंस में क्या कहा कि आप विशेष आत्माएं बाप दादा के कार्य में सहयोगी। यानी हम स्वयं आत्मा निमित्त हैं, परमात्मा के कार्य में सहयोगी हैं, इंस्ट्रूमेंट है, और ईश्वरीय कार्य तो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है ना, इसलिए आप विशेष आत्मा हो, बाबा कह रहा है। सहयोग के रिटर्न में विशेष, सर्व और सहज प्राप्तियां होती हैं। बाबा ने कहा परमात्मा का जो सहयोगी बनेगा तो उसको तो नेचुरली बहुत सारी ऑटोमेटिकली ही अनेक प्रकार की सिद्धियां, एक अनेक प्रकार की प्राप्तियां, अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे ना। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतने राइट्स भी मिलते हैं। जितना समय जो सर्व प्रकार से सहयोगी बनते हैं उसका प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों का अनुभव सहज होता है। अब बाबा ने कहा प्रत्यक्ष फल क्या हुआ कि जितने सहयोगी उतनी सर्व प्राप्तियां मिली, सर्व अधिकार उनको मिले हुए ही रहते हैं। जैसे समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं तो बाप भी रिटर्न में मदद करते हैं। जो समय प्रति समय बनते हैं उनको बाबा समय प्रति समय मदद करता है, जो सदा बने रहते हैं उनको सदा ही मदद मिलती रहती। हिम्मत का संकल्प एक बच्चे का और हजार श्रेष्ठ संकल्पों का सहयोग बाप का। यानी बच्चा हिम्मत का एक संकल्प करता है तो बाप उसका अनेक गुना, कितने गुना का, हजार गुना मदद करता। कहा जाता ना, हिम्मत मर्दे मदद खुदा, लेकिन कितनी मदद, हजार गुना। ऐसा सहयोग समय पर देते रहते हैं। बच्चों ने सोचा और बाप के सहयोग से हुआ। यानी इतनी बाबा कहते हैं लगातार मदद का हर बच्चे को अनुभव भी है, कि बच्चा हिम्मत का कदम रखे कुछ सोचता है, बाप उसको करवा देता है। ये है विशेष आत्माओं को सहयोगी बनने का प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्मा कब मुश्किल का अनुभव नहीं करेगी। इतना सहज लगेगा जैसे अभी अभी की हुई बात को रिपीट कर रहे हैं। यानी इस प्रकार की आत्मा जो होगी उसको नेचुरली ऐसा महसूस होगा कि कोई मुझे सोचना नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कोई बोझ नहीं लग रहा, ऐसे लगेगा जैसे कोई बात अभी ही की थी, अभी उसको रिपीट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा यानी प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष फीलिंग आएगी। कल्प पहले की है नहीं, ये भी बाबा कहते हैं। नॉर्मली तो कहते हैं ना, ये कल्प पहले भी हुआ था,
बच्चों को हिम्मत आती है, कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। बाबा कहता है ये भी नहीं, जो विशेष आत्मा विशेष सहयोगी हैं उनको ये नहीं लगेगा कल पहले किया था, अभी अभी किया था, अभी अभी फिर कर रहे हैं, वो स्पेस टाइम का गैप बिल्कुल नहीं फील होगा। अभी अभी की है, अभी अभी रिपीट कर रहे हैं। हाँ, कल की बात को भी सोचना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। अगर कोई कल की बात भी सोचता है तो उसको ख्याल में लाएगा, विजुअलाइज करेगा, उसको इन्वोक करेगा। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, विशेष अधिकार वाली आत्मा को लगेगा अभी अभी किया, अभी अभी कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी की है, इसमें बुद्धि पर बोझ नहीं आएगा। करना है, कैसे होगा, ये बोझ भी नहीं। अभी अभी किया है और अभी अभी रिपीट करना है। हाँ, यानी नाउ में, प्रेजेंट में जिएंगे, उनको ये फील होगा कि हम बस अभी किया था, अभी फिर कर रहे हैं। ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले होना, भविष्य के आधार पर सोच रहे हो। प्रत्यक्ष फल का ये अर्थ दिया कि ना भविष्य का नहीं सोचना, कल तक भी दूर है, यानी अभी कर रहे हैं, अभी पा रहे हैं, इतना क्लियर प्रत्यक्ष फल है। किया और पाया, बच्चे ने सोचा, बाप ने मदद करके उसको पूरा करवाया। ऐसा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो ना, भविष्य के आधार पर सोच रहे हो, भविष्य तो है ही। बाबा कहते हैं, यानी ये बाबा ने बहुत ही शक्तिशाली मुरली चलाई है और हमारे आगे स्पष्टता, जिसको कहते हैं ना, पूरी स्पष्टता बताई है। कोई चीज़ होती है हम कहते हैं सामने है, कोई चीज़ कहते हैं समीप है, कोई कहते हैं बिल्कुल साथी है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आपका जो फल है दुनिया के अंदर भी, कभी कभी ज्योतिषी के पास आप जाएंगे तो ज्योतिषी आपका दो फल बताएगा, हर एक तो प्रत्यक्ष फल बताएगा, एक भविष्य फल बताएगा। तो बाबा कहते हैं भविष्य फल, कई भविष्य फल सोचते हैं कि उसका नतीजा क्या होता है, कि हम सतयुग में आएंगे, सतयुग आने वाला है, अच्छा सतयुग बहुत जल्दी आने वाला है, तो सतयुग के अंदर फिर देवता कैसे होते हैं, सतयुग के अंदर देवताओं में शांति सदा रहती है, उनमें सुख सदा रहता है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते, किसी भी परिस्थिति में परिस्थिति आती नहीं वहाँ, तो सब परिस्थितियाँ पार, ऐसी ऐसी बातें हम सोचते हैं। यानी भविष्य के फल को विजुअलाइज करके हम प्रसन्न होते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, हर चीज़ के दो फल होते हैं, बल्कि भविष्य फल प्रत्यक्ष फल पर आधारित होता है। प्रत्यक्ष फल दर्शाता है कि भविष्य फल क्या होगा, जैसे कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, तो होनहार के चिकने पात पता लग जाते हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं, ये तो कल, बाबा ने यहाँ तक कहा कि कल का भी सोचोगे तो सोचना पड़ेगा कल, और उसको खींचना पड़ेगा बुद्धि से सामने लाने के लिए। ये तो ऐसा है जैसे किया और हुआ, किया और हुआ, किया था भी फिर हो रहा है, इस तरह की बात बाबा बता रहे हैं। बाबा ने कहा भविष्य तो है ही, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है। प्रत्यक्ष फल को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। प्रत्यक्ष को छोड़ भविष्य के इंतजार में नहीं रहना है। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी मिला। यानी बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष फल का अर्थ यह है कि आपको वो सारी चीज़ें, आखिरकार सारे हमारे पुरुषार्थ का फल क्या है, कि हम देवता बनेंगे, दैवी गुण वाले बनेंगे, प्रकृति जीत होंगे, हमें किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, कोई प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। तो बाबा कहते वो अवस्था अभी महसूस करनी है, और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके वर्तमान में ही जैसे सतयुगी दैवी जीवन को जीना है, तभी तो वो जीवन आएगा ना। तो बाबा कह रहे इसलिए प्रत्यक्ष अर्थात अपने आप को प्रत्यक्ष करना,
यानी बाबा ने यही कहा ना कि अपने आप को प्रत्यक्ष करो, तो जब हम प्रत्यक्ष करेंगे तो प्रत्यक्ष फल खाएंगे, अगर हम प्रत्यक्ष नहीं करेंगे सोचेंगे अच्छा हमने होना है तो फल भी हमारा भविष्य में चला जाएगा ना, तो बाबा ने भविष्य को खींच करके वर्तमान में लाया। अभी अभी बाप के बने और अभी अभी, अभी मिला। हाँ। बाप से दूर रहने वाली आत्माएं भविष्य अर्थात दूर की बातें सोचेंगे, वो कहेंगे हाँ, भगवान को मिलना है, परमात्मा परम धाम में रहता है, तो दूर चले गए ना। समीप रहने वाली आत्माएं सदा प्रत्यक्ष फल का अनुभव करेंगे, एक का लाख गुणा के रूप में रिटर्न में अनुभव करेंगे, ऐसे होता है ना। अब बाबा कह रहे हैं एक का लाख गुना रिटर्न, यानी इमीडिएट। एक होता है भविष्य में उम्मीद पर आधारित फ्यूचर, तो बाबा कहते हैं ये तो तुरंत फल है और इसके लिए हमें अपने आप को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। हम प्रत्यक्ष होंगे तो बाबा भी प्रत्यक्ष हो जाएगा दुनिया के आगे। चल नहीं रहे हैं हाँ, लेकिन कोई चला रहा है, अपनी गोदी में बिठाकर चला रहे हैं, तो मुश्किल थोड़े होगा। जब परमात्मा हमें अपनी गोद में बैठ के चला रहा है, उसको करण करावन हार कहते हैं कि कराने वाला वो, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र कर रहे हैं, तो मेहनत मुश्किल थोड़ी लगेगी। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में घूमता है तो उसको कब थकावट नहीं होगी, मजा आएगा और ही उमंग में आएगा कि पिताजी की गोदी में बैठ के घूम रहा हूँ, वो चला रहे हैं मैं चल रहा हूँ। अपने पांव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी। ये तो बाप चलाने वाला चला रहा है, बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं, कितना अति इंद्रिय सुख व आनंद का अनुभव होता है। यानी बच्चा जब बाप की गोदी में, उसको सारी दुनिया मिल जाती है और वो खुश रहता है, क्योंकि उसको तो कुछ करना ही नहीं है, बाप ने उसको उठा के ले जाना है। ये तो लौकिक बाप का भी सुख बच्चे महसूस करते हैं, ये तो परमपिता परमात्मा है, कहते सारा कुछ मैं ही तुम्हारा करवा रहा हूँ, तुम तो निमित्त हो, तो कितना मज़ा आएगा कि कर बाबा रहा है, मेहनत बाबा कर, एक तरीके से सारी मेहनत हमारी उसने खुद ले ली, आप खाली मजा कर रहे हो और अपनी प्राप्ति कर रहे हो। जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं, प्राप्ति है व मेहनत है। अब बाबा कहते बताओ कि प्रत्यक्ष फल लेने में मेहनत है या प्राप्ति है, क्योंकि प्रत्यक्ष फल मिल रहा है और आपको कुछ करना कराना भी नहीं है, बस परमात्मा की गोद में बैठे रहना है और प्राप्ति करते रहना है। तब बाबा ने कहा बाप का सोचा और बाप ने किया। संगम युगी सदा साथी बनने वाली आत्माओं को मेहनत क्या होती है, वह अविद्या मात्रम होते हैं। बाबा कहते हैं कि वास्तव में मेहनत मात्रम अविद्या, संगम क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिवान की बनने वाली आत्मा है, मेहनत करें ये तो सवाल ही नहीं। मेहनत सज्जु के देवताओं को भी मेहनत नहीं होती, वो देवताओं की संतान है, यहाँ तो तुम हम परमात्मा सर्वशक्तिवान की संतान है, तो शक्ति के आगे मेहनत क्या होती है, होती नहीं। ऐसे बहुत थोड़े होंगे जिन्हों को मेहनत अविद्या मात्रम होगी। हाँ, बाबा कहते फिर उसी प्रकार के गोद में बैठने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे होंगे भी तो थोड़े। ये है फाइनल स्टेज की निशानी। उसके समीप आ रहे हैं। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाए, जैसे और कर्म नेचुरल है ना, उठना, बैठना, चलना, सोना नेचुरल कर्म है, वैसे स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ भी नेचुरल कर्म अनुभव हो, तब इस नेचर को परिवर्तन कर सकेंगे। अब बाबा ने कहा कि देखो कि मेहनत जब तक लग रही है, इसका अर्थ क्या है कि हम अपने आप को हमने प्रत्यक्ष नहीं किया है, इसका अर्थ क्या है कि हम
जो हैं जैसे हैं जिसके हैं जहाँ के हैं उस रूप में नहीं आए हैं। अगर हम उस रूप में आ जाएंगे तो बाबा कहते हैं तुमको मेहनत तो लगेगी नहीं और प्रत्यक्षता के आधार पर ही तुम्हें सब प्राप्ति होती जाएगी। अभी तो वह सर्विस रही हुई है, अभी आप सब जा रहे हो सभी को फाइनल पेपर देने लिए तैयार करने, क्योंकि आप सब निमित हो ना, ऐसे एवर रेडी बन जाओ जो कोई भी छोटी व बड़ी परीक्षा में अचल रहे। अभी तो छोटे पेपर में हलचल में आ जाते हैं, स्वयं के पेपर्स द्वारा ही हलचल में है, तो अब ऐसी तैयारी कर भेजना जो पुराने यहाँ आवे तो एवर रेडी दिखाई पड़े। यानी बाबा दीदी को कह रहे हैं अब ऐसी एवर रेडी का अर्थ भी वही है कि बिल्कुल तैयार हैं, परिवर्तन हुआ और देवता बने, उसकी जितनी क्वालिफिकेशंस हैं वो अपने अंदर धारण कर ली हैं। और बाबा कहते हैं उन क्वालिफिकेशन में क्या आता है कि पुरुषार्थ करना ही ना पड़े और आपकी संपन्नता आती जाए। और वो स्टेज कब आ सकती है जब पुरुषार्थ करना ही ना पड़े आपकी संपन्नता आ जाए, कि आप भविष्य का ना सोचकर, भविष्य फल का ना सोचकर, आने वाले सज्जू का ना सोचकर, आप ये सोचो कि वर्तमान समय ही हमने नेचुरल नेचर बना लेनी है अपने आप को प्रत्यक्ष करने की, अर्थात अपने दैवी गुण जो धारण करने हैं, दिव्य शक्तियां जो इकट्ठी करनी हैं, ऑटोमेटिकली आपकी होती जाए। बाप दादा ने रियलाइजेशन कोर्स दिया है, तो उसकी रिजल्ट भी लेंगे। अनुभवी बनाते जाओ, उच्चारण करने वाले बन जाते हैं लेकिन अनुभवी कम बनते हैं। अगर अनुभवी मूरत बन जाए तो अनुभवी कब धोखा नहीं खाएंगे। अब बाबा ने कहा कि देखो अनुभवी हमेशा कहा जाता है अगर कोई धोखा खाता है तो अनुभवी नहीं है, अनुभवी या तो धोखा नहीं खाता है। तो बाबा कहते हैं अनुभवी मूरत अगर बन जाएंगे तो क्या आपकी प्रत्यक्षता हो जाएगी। धोखा खाना अर्थात अनुभवी नहीं, ऐसा ही लक्ष्य रख करके सभी में ऐसे लक्षण भरते जाओ, ये रिजल्ट देख लेंगे। अभी तो यही उमंग सर्व का होना चाहिए कि संपन्न बन विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करेंगे, नहीं तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी हलचल में है। अभी अभी बादल भरते हैं, थोड़ा बरसते हैं, फिर बिखर जाते हैं। कारण स्थापना करने वाले विश्व परिवर्तक ही हिलते रहते हैं। अब बाबा ने क्या बताया कि जो विनाश की जो परिवर्तन की शक्ति है वो भी अभी अभी ऐसे लगेगा कि परिवर्तन हो जाएगा, विनाश की पूरी तैयारी हो जाती है, फिर कुछ ऐसे ही होता है वो बादल बिखर जाते, बरसते नहीं हैं, क्योंकि जो स्थापना करने वाले हैं उनकी भी यही स्थिति है। अपने निशाने से बिखर जाते हैं तो परिवर्तन के बादल भी बिखर जाते हैं। आप पर आधारित है, बाबा कहता आप बच्चे जब एवर रेडी हो गए, आप बच्चे जब पोस्टपोन नहीं करोगे, बिखरोगे नहीं, आपकी शक्ति भी कॉन्सेंट्रेटेड होगी, एकाग्र होगी और सबकी समानता से एकाग्रता होगी, तब बाबा कहते परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने अंत में कहा गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। हाँ, अच्छा, यानी बाबा ने क्या लिंक किया कि आप बच्चे विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त हो, विश्व में हलचल आपकी अचलता से आएगी, आप जितने संपन्न होते जाएंगे, क्योंकि जब दैवी सृष्टि की आत्माएं तैयार होंगी तभी तो आश्चर्य सृष्टि का विनाश होगा, जब आपकी तैयारी ढीली पड़ती है तो विन्यास की तैयारी भी ढीली पड़ जाती है। तब बाबा ने कहा आप बरसना शुरू करोगे, गर्जना आपका समाप्त होगा तो दुनिया के अंदर भी हरियाली आ जाएगी। ये थे बाप दादा के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन। बाप दादा ने हम ब्राह्मण बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की लकीर की
तस्वीर बताई जिसमें रूहानियत पर जोर दिया, लाइट हाउस बनना है, चलता फिरता लाइट हाउस जो दूसरों को भी रास्ता बताए। ओम शांति।